सुंदरनगर में हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी के सचिव डॉक्टर मस्तराम की अध्यक्षता में हिमाचल संस्कृत विकास संगठन का गठन किया गया। इसमें आचार्य अक्षय शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जानकारी देते हुए अक्षय शर्मा ने बताया कि संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए हिमाचल संस्कृत विकास संगठन का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 5 से 7 विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं, तो भारत और हिमाचल में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि आज विश्व की सबसे पुरानी संस्कृत भाषा के संरक्षण की आवश्यकता है ताकि इसके अस्तित्व को भविष्य में बचाया जा सके। शर्मा ने कहा कि शीघ्र ही हर एक मसौदा तैयार कर हिमाचल सरकार को सौंपा जाएगा। इसमें प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने, संस्कृत के छात्रों को परीक्षा परिणामों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर घोषित करने, विश्वविद्यालय में संस्कृत की एमए, एमफिल और पीएचडी की सीटें बढ़ाने तथा प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालयों का प्रावधान करना प्रमुख मांग में शामिल होगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि तत्काल विश्वविद्यालय में आचार्य की कक्षाओं को नियमित रूप से चलाया जाए ताकि छात्रों को आचार्य करने के लिए बाहरी राज्यों में ना जाना पड़े। आज डॉक्टर मस्तराम जी की अध्यक्षता में संस्कृत कॉलेज सुंदरनगर में हमने हिमाचल संस्कृत विकास कार्यकारिणी का गठन किया, जिसका प्रदेशाध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया गया है। आने वाले भविष्य में हम इस कार्यकारिणी का गठन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश कार्यकारिणी व सभी संस्कृत कॉलेज के परिसर कार्यकारिणी का गठन करेंगे, जो कि संस्कृत भाषा के उत्थान और संस्कृत भाषा के विकास के लिए लाभपूर्ण रहेगा। इसके अंतर्गत अन्य छात्रों की समस्याओं का भी इसके द्वारा निवारण किया जाएगा तथा हिमाचल प्रदेश सरकार को हम इन सभी मुद्दों पर इसका एक दस्तावेज जल्द ही सौंपेंगे।